आपके सामने जो खड़ा है वो भारत का एक मामूली लड़ाका है, जिसने आज का सूरज उगने पर एशिया के शाह की ताकत को ललकारा। पर यकीन मानिए मेरा, ये भारतीय आज शाम का सूरज ढलते देख नहीं पाएगा। पर अपनी हिमाकत की कीमत इसे इस मुकाबले से चुकानी होगी। अपने सामने आने वाली हर ललकार का सामना करना पड़ेगा। आज देखते हैं कि क्या है इसकी किस्मत में। जीत कर इसे जिंदगी मिलेगी या मौत के साए तले दब जाएगा ये भारती। इसलिए मैं अलेक्जेंडर इस मुकाबले का आगाज करता हूं। ग्लैडिएटर मुकाबले का पहला पायदान शुरू होता है। बेफिक्र रहिए मलिका, ये लड़ाका किसी भी मुकाबले में शिकस्त नहीं खाया है। किसी भी सल्तनत का कोई भी लड़ाका इसके सामने नहीं टिक पाया, फिर ये लड़का क्या टिकेगा? जाबास के सामने किसी का भी टिक पाना नामुमकिन है, लेकिन मुझे तो ये लड़का यहां पर मुकाबला जीतता नजर आ रहा है। अगले मुकाबले के लिए लड़ाकों को बुलाओ और इस लड़ाके को यहां से बाहर कर। नहीं फेस्टियन, इस लड़ाके को इस अखाड़े में रहने दो। इस
भारतीय ने ललकारा था कि भारतीय लड़ाकों और मैसेडोनिया के लड़ाकों में क्या अंतर होता है। मैं देखना चाहता हूं इसका अगला कदम क्या होने वाला है। मुझे बख्श दो, मुझे माफ कर दो। देखा है फेस्टियन, जंग में कोई जुदा नहीं होता, सब एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। फिर वो चाहे एशिया का शाह या भारत से आया ये लड़ाका। पिछली बार इसकी किस्मत ने इसे बचा लिया, लेकिन लगता है इस बार किस्मत भी पीछे हट गई। सारी बहादुरी पहले ही मुकाबले में जाया कर दी इसने। अब देखो हिल भी नहीं पा रहा। नहीं फेस्टियन, ये लड़ाका थोड़ा अलग है, मैं इसका दिमाग पढ़ सकता हूं। और मत भूलो, कल रात जो इसने किया उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये हमारी फौज को चकमा देकर पारसियों तक पहुंच गया। इसके दिमाग की ताकत इसके पासों से कहीं ज्यादा है फेस्टियन, और जितना मैं अभी देख पा रहा हूं इसके दिमाग में ये यही सोच रहा है कि कैसे इन दो लड़ाकों को ये मात दे।
मुझे मारने का यह प्रयास भी असफल रहा तुम्हारा। और कोई योजना है तुम्हारे पास? मत भूलो कि तुम महान सिकंदर से मुखातिब हो। इत्तेफाक से फतेह मिली है तुम्हें, मगर इसका यह मतलब नहीं कि तुम शाह सिकंदर के दिमाग के सामने टिक पाओगे। तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते मित्र, जब एक भारतीय की बुद्धि कार्य करती है तब वो अपने शत्रु के साथ क्या क्या कर सकता है। तैयारियां हो चुकी, बस अब उचित पल आने दो और हमारा कार्य संपन्न। बैठकर मुकाबले का मजा नहीं ले सकते अलेक्जेंडर, तुम्हें इस भारतीय को रोकना होगा। अब सिर्फ चार जांबाज बचे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यूनानी परचम झुक जाए। जंग चाहे खुले मैदान में हो या इस अखाड़े में, जंग जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि दिमाग की सोच से जीती जाती है। और जहां तक फतेह का सवाल है, वहां अलेक्जेंडर और लोगों से चार कदम आगे चलता है। क्या मतलब है तुम्हारा?
तुमने जैसा कहा था हमने अपना कार्य पूर्ण किया है पुरु। सब कुछ तुम पर निर्भर करता है, तुम बस कुशल रहना और जीवित भी। बड़ा भारत भारत करता था, देखा हमारे दिए जख्मों के रहमो कर्म पर है तुम्हारा भारत। अलेक्जेंडर, मैं ही हूं वो प्रारब्ध जिसकी भविष्यवाणी और आयकल ने की थी। मैं ही हूं वो रक्षक जिसको मिलने के लिए तुम उतावले थे। तुम्हारी नियति पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम। हमारी ये भेंट यही समाप्त हुई। यदि फिर से मेरी धरती पर हमारी भेंट हुई तो खाली हाथ लौटने के लिए सज्ज रहना।